उतार चढ़ाव। देखिए क्रिकेट करियर का हिस्सा है, हर किसी को पता है। दुनिया में ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है बड़े से बड़ा जिसने अपने करियर में उतार चढ़ाव ना देखा हो। टीम इंडिया के संकट मोचक कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा भी पिछले कुछ समय से इन्हीं अप्स एंड डाउन्स वाले जीवन से गुजर रहे हैं। करीब 1 साल से उनका बल्ला टेस्ट में खामोश है, जिसके बाद उन्हें भारत की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने भारत के लिए जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो था जून 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का दौरा किया, लेकिन पुजारा टीम में नहीं थे। वहीं अब चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। इस वीडियो में हम पुजारा पर बात करेंगे और बताएंगे कि BCCI सिलेक्टर्स अब उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। हाई एवरीवन, आई एम तान्या एंड यू वॉचिंग स्पोर्ट्स वाला। चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी 2024 सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करी है। टीम इंडिया से बाहर किए गए पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। पुजारा ने रणजी ट्रॉफी के तहत खेले जा रहे मुकाबले में सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए झारखंड के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई है। 35 साल के पुजारा, इनके फर्स्ट क्लास करियर की ये 17वीं डबल सेंचुरी है। इस दौरान उन्होंने भारतीय दिग्गज VVS लक्ष्मण को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी इस बेहतरीन पारी से भारत की टेस्ट टीम के लिए एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया है। पुजारा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में झारखंड के खिलाफ पहली पारी में 356 गेंदों पर 243 रन की पारी खेली, जिसमें 30 चौके लगाए। इस मैच में पुजारा आए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने और उन्होंने झारखंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। इस दौरान उन्होंने अर्पित वासवाड़ा और प्रेरक मांकड़ के साथ शतकीय साझेदारी भी करी, अच्छी पार्टनरशिप में खेला। उनकी इस यादगार पारी के चलते सौराष्ट्र ने 4 विकेट पर 578 रन बनाकर अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। पुजारा 243 और प्रेरक मानकर 104 रन पर नॉट आउट लौटे। वहीं अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स को देखें तो चेतेश्वर पुजारा चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस मामले में उन्होंने VVS लक्ष्मण, लेजेंडरी VVS, उनको पीछे छोड़ दिया है। लक्ष्मण के नाम फर्स्ट क्लास श्रेणी में 19,730 रन है, हालांकि पुजारा ने 19,812 रन कर लिए। जहां तक बात है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के बैटर्स की, तो दिग्गज सुनील गावस्कर टॉप पर है। उनके नाम 25,834 रन, सचिन तेंदुलकर के नाम 25,396 रन है दूसरे नंबर पर है, जबकि 23,794 रन के साथ राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर है। इसके बाद पुजारा का नंबर आता है। इसके साथ ही उन्होंने एक और माइलस्टोन अपने नाम किया है। ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से दुनिया के चौथे बैटर हैं। अब पुजारा के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 17 डबल सेंचुरीज हो चुकी हैं। चेतेश्वर पुजारा ने इस दौरान BCCI सिलेक्टर्स को अपनी तरफ ध्यान उनका खींचा है। इस दौरान उन्होंने ये दिखाया कि उनकी बैटिंग में अभी भी बहुत दम है। उन्होंने पारी ऐसे वक्त पर खेली जब भारत को टेस्ट टीम में उनकी जरूरत है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दौरे पर पुजारा को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया। दोनों टॉस पर उनकी जगह तीसरे नंबर पर शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी है, लेकिन टेस्ट में शुभमन इंप्रेस नहीं कर पाए। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन था वो काफी वीक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शायद ही शुभमन को मौका मिले, क्योंकि पुजारा ने झारखंड के खिलाफ ये बढ़िया पारी खेलकर टीम इंडिया में जोरदार वापसी के संकेत दिए। वैसे भी जब भारतीय सरजमीं की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा का जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। पुजारा ने भारत में इंग्लैंड के खिलाफ 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 972 रन बनाए हैं और 972 रन में 4 शतक लगाए। उनका हाई स्कोर है 206 रन का, वो भी नॉट आउट। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में जो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड है, 27 टेस्ट खेले हैं जिसमें 1778 रन बनाए हैं, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5 शतक भी जड़े हैं। अगर आने वाली टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा को मौका दिया जाता है तो उनके पास टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 2000 रन पूरे करने का मौका होगा अपनी टीम इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी के साथ साथ। अब देखना यह होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है, क्या BCCI सिलेक्टर्स चेतेश्वर पुजारा की तरफ ध्यान देते हैं या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि क्या जो चेतेश्वर पुजारा ने जो बढ़िया पारी खेली है, इससे ऐसा हो सकता है कि जो इंग्लैंड जो
इंडिया आ रहा है, उनका दौरा है, उसमें चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिल सकती है, हाँ या ना, रीजन के साथ हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मेहनत करके लेके आते हैं, और बातचीत, डिस्कशन, क्रिकेट यही तो उसकी खासियत है कि जितना डिस्कशन करो उतना मजा आता है। अच्छा ये भी बता दें, हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और आपके लिए स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि पूरा देश बन जाए स्पोर्ट्स वाला।